नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। इन दोनों भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि दुश्मनों के घर में घुसकर तो मुंह तोड़ जवाब देता ही है, साथ ही देश पर हमला करके विदेश भागने वाले जिहादियों को भी पकड़कर ले आता है। जब मोदी सरकार ने आतंकवादियों को देखते ही काम तमाम करने की सेना को खुली छूट देती है, तो वे अब देश पर हमला करके बाहर भागने वाले आतंकवादियों को पकड़ पकड़ कर सजा दिलाई जा रही है। इसी बीच खबर है कि एनआईए की टीम सऊदी से आतंकी शोएब और गुल नवाज को दबोचकर भारत ले आई है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान शोएब और गुल नवाज के रूप में हुई है। इनमें से शोएब केरल के कन्नूर का निवासी है, जबकि नवाज उत्तर प्रदेश का। एनआईए की स्पेशल टीम इन्हें अरब के रियाद से लेकर आई है। इससे पहले सऊदी अरब प्रशासन की मदद से इन्हें दो हफ्ते पहले हिरासत में लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल का रहने वाला आतंकी शोएब साल 2008 में बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट केस का आरोपी है, जो धमाके के बाद से फरार था। उसके संबंध मुजाहिदीन से भी है। वहीं गुल नवाज पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से संबंध रखता है। वो दिल्ली में हुए बम धमाके का आरोपी है। बता दें कि इस कार्रवाई से पहले इन दोनों आतंकियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका था। रियाद में इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद इन्हें भारत लाया गया, या इनसे रोके अधिकारी और अन्य एजेंसियों ने कई घंटे पूछताछ की। आगे की कार्रवाई के लिए शोएब को बेंगलुरु और गुल नवाज को दिल्ली लाया जाएगा। फिलहाल शोएब से कोची स्थित एनआईए के मुख्यालय में पूछताछ हुई है। वहीं गुल नवाज से तिरुवनंतपुरम स्थित आईबी मुख्यालय में सवाल किए गए। दरअसल शोएब भारतीय मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य है। इस संगठन का संस्थापक नसीर फिलहाल जेल में बंद है। वहीं शोएब 2014 में पाकिस्तान चला गया था। वहां उसने कथित तौर पर निकाह किया और अपना बिजनेस करने लगा। वो रियाद में आता जाता रहता था। उसकी जानकारी जुटाने के बाद एनआईए ने रियाद प्रशासन से संपर्क किया और शोएब को गिरफ्तार किया। तो इन दोनों की गिरफ्तारी से पहले एनआईए ने अलकायदा के आतंकवादियों को शुक्रवार को हिरासत में लिया था। इनकी पहचान याकूब विश्वास, मुर्शीद हसन और मुशर्रफ हसन के रूप में हुई थी। इनके अलावा अलकायदा के 6 आतंकी नजमो साकिब, अबू सूफिया, मैनुल मंडल, लियोजिन अहमद, अल मामून कबल, अतितुर रहमान को बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। उधर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवान आए दिन आतंकवादियों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जो इमरान खान के सीने में चुभ रहा है। खैर, इससे साफ है कि मोदी सरकार ने ठान लिया है कि देश से जिहादियों की जड़ों को खत्म करके ही दम लेना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।